नमस्कार, मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फिरोजाबाद जनपद के सुकुहाबाद नगर पालिका परिषद चेयरमैन ने मंगलवार को BDM इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति पंजिका सहित कक्षाओं में जाकर पठन पाठन का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की एक कक्षा को देखकर चेयरमैन नाराज दिखी। उनका कहना था कि हर कक्षा में बच्चे ड्रेस में होना चाहिए, वहीं अनुशासन में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया कि विद्या के मंदिर कॉलेज में किसी प्रकार की लापरवाही उन्हें बर्दाश्त नहीं, सर शिक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, इसमें किसी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर प्रधानाचार्य नीरा माथुर, बड़े बाबू बरुण गौर के अलावा समस्त स्टाफ मौजूद रहा। तो देखते रहिए अब्दुल सत्तार की खास रिपोर्ट। आज आप BDM स्कूल में जो आई हैं अचानक से, आपका आने का क्या मकसद रहा? आज विद्यालय में आने का एक ही उद्देश्य तो ये था कि देखें स्कूल में क्या चल रहा है। हमारे सभी बच्चों को हमने देखा और सबको यही कहा कि पूरा स्टाफ अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ क्लास अटेंड करवाए बच्चों को, और सारे बच्चे अनुशासन में आए, फुल यूनिफॉर्म में आए और कोई किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। कोई भी बच्चा अगर पूरी यूनिफॉर्म में स्कूल नहीं आता है या कोई भी तरीके की कोई कमी रह जाती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और स्टाफ की तरफ से कोई कमी की गई तो उस पर भी पूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर टीचर्स ने अपनी क्लासें पूरी तरीके से बच्चों को नहीं ली तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के सख्त निर्देश दिए गए हैं आज विद्यालय में। अगर छात्राओं को मैंने पूरी तरीके से ये समझा, पूरा नोटिस लगवाया है पूरा विद्यालय में कि पूरी तरीके से इस पर अनुशासन पूरा विद्यालय में रहना चाहिए, अन्यथा पूरी सख्ती के साथ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी।